नमस्ते फ्रेंड, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ ये खूबसूरत मेरे पिंक रोज के साथ। तो मेरा ये देसी रोज़ है, देखिए ढेरों कलियाँ आई हैं फ्रेंड इसमें, और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है फ्रेंड। और इधर भी कलियाँ आ रही हैं, ये देखिए। ये मेरा देसी पिंक रोज़ है जो दमस्क नाम से इसको लोग जानते हैं, तो बड़ी हाई फ्रेग्रेंस होती है फ्रेंड। तो इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, बहुत अच्छी खुशबू आई है और फूल भी बहुत गुच्छों में आते हैं इसमें। और इधर मेरा ये मोगरा है, बारिश बहुत हुई है आज दिन में तो ख़राब हो गया है फ्रेंड। और ये मेरे इधर ये अपराजिता है, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड। देखिए मतलब फूल बहुत आए हैं, ख़राब भी हो गए हैं फ्रेंड। और इधर मेरा ये देसी सदाबहार है, बहुत फूल खिले हैं प्रूनिंग करने के बाद तो और घना हो गया है। और इधर ये मेरी जीनिया में भी कलियां बननी शुरू हो गई हैं फ्रेंड, तो इसमें भी फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और इधर तो मेरे ये सभी प्लांट बहुत अच्छी तरह से ब्लूम कर रहे हैं फ्रेंड, बड़े ही सुंदर लगता है। छत पे आओ फूल खिले हुए देखो तो मन खुश हो जाता है इनको देख कर के फ्रेंड। तो आज मैं कुछ और कटिंग लगाने जा रही हूँ अपने गार्डन में, तो हम सोचे क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए। आज मैं थोड़े से मेरे जो विंटर के फ्लावर जो मैं सेव कर रखी थी तो मैं उनको कटिंग से लगाऊंगी फ्रेंड। जब हम कटिंग से कोई भी प्लांट की जो भी कटिंग हम रेडी करते हैं फ्रेंड, तो उसमें बड़ी अच्छी ग्रोथ इस समय हो जाती है क्योंकि ये बारिश का समय है। और इसमें ग्रोथ जो ग्रोइंग पीरियड होता है प्लांट का वो बड़े ही फास्ट से होता है, रूटिंग बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेरा आज देखिए वाइट हिबिस्कस बहुत ज़्यादा ब्लूम करा है फ्रेंड, ये बारिश से फ्लावर इस तरह से हो गए हैं। बहुत सारे फूल खिले हैं फ्रेंड, इधर भी खिले हैं, देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ये प्लांट देखने में। और मेरा ये रेड हिबिस्कस भी खिला है और आज प्लूमेरिया भी खिल रहा है, बाकी के जो फ्लावर थे वो स्पेंड हो गए हैं फ्रेंड। और यहाँ भी मेरा जो रेड हिबिस्कस है इसमें भी फूल अच्छे खिल रहे हैं फ्रेंड। और इधर मेरे देसी पेटूनिया की हालत बारिश से ख़राब हो रही है। और ये तो मेरे सदाबहार हैं जो अच्छे ही चल रहे हैं। और ये मैं जो मैरीगोल्ड के लगाई थी कटिंग लग गई है, देखिए मतलब अभी तो मतलब बारिश के कारण हरी भरी है, अब दो चार दिन में पता चलेगा इसका। यहाँ भी लगाई हूँ मैं कई सारे प्लांट इसके जो मैंने प्रून करा था अपना मैरीगोल्ड। और यहाँ मैंने पेंटास की भी कटिंग लगाई हूँ फ्रेंड। और ये मेरे जो मैंने अपनी गुलदावरी की कटिंग लगाई थी तो अच्छी चल रही है फ्रेंड, यहाँ भी लगाई हूँ मैं। तो फ्रेंड ये मैंने थोड़े से अपने विंटर गार्डन के जो फ्लावर होते हैं उसकी कटिंग ले ली हूँ। ये मेरे देखिए ये डॉग फ्लावर है, ये मैं लगा रखी थी कटिंग तो उससे मैं लाई हूँ। और ये मेरा है, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब फूल है ये भी विंटर का, ये अच्छा खिलता है। और ये कैलेंजो के मैंने लिए चार कटिंग ली हैं, ज़्यादा नहीं ली है। और ये मेरे है डायमोफोथी का जो अफ्रीकन डेजी होता है उसका ली हूँ, इसका नाम याद नहीं आ रहा। और भी दो एक कटिंग है तो अभी उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, जब हो जाएगी उनकी तो उनकी भी कटिंग लगा लूँगी। तो जब हम इस तरह से जब कटिंग से कोई भी प्लांट रेडी करते हैं फ्रेंड तो बहुत जल्दी ही मतलब रेडी हो जाएगा, प्लांट भी बड़ा हो जाता है, जबकि सीड से बहुत टाइम लगता है इसमें। इसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, खैर कोई बात नहीं, बाद में इसके फ्लावर दिखा देती हूँ मैं। ये इसके फ्लावर हैं, ये इसमें से ही कटिंग ली हूँ मैं, नाम भूल गई मैं, याद नहीं आ रहा फ्रेंड। और ये मेरा जो कार्नेशन है इसमें ग्रोथ अभी हो रही है, तो जब हो जाएगी तब मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी। और ये मेरा ऑर्नामेंटल केल है, ये देखिए बारिश के कारण पत्तियाँ ख़राब हुई हैं लेकिन इसमें ग्रोथ देखिए स्टार्ट हो रही है। तो पिछले साल भी मैं इसको कटिंग से ही रेडी करी थी, जो यहाँ से जो इसके ये शूट्स नई न्यू निकल रहे हैं ये जो हैं, ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इसको कट करके हम जब कहीं भी लगा देंगे ना तो ये बड़ा जल्दी से ग्रो हो जाता है बड़ी आसानी से। तो आपके पास हो तो आप भी उसे शेप कर लीजिए, ये पिछले साल भी मैं कटिंग से ही रेडी करी थी। और पेंटास के तो खैर बाद में लगाऊंगी। और इनके फ्रेंड मैं ये एलोवेरा ही इस्तेमाल करूँगी लगाने के लिए रूटिंग हारमोन्स के
तौर पे। तो बस इसमें थोड़ा सा कट करके मैं लगा लेती हूँ जल्दी। मैं पहले से ही कटिंग रेडी कर ली क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए फ्रेंड। इस तरह से फ्रेंड मैंने कटिंग लगा ली हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी जो भी मेरी कटिंग है। मेरे पे अलग से कोई पॉट खाली नहीं था तो मैं पॉट में ही लगा लेती हूँ कटिंग जो भी होता है। इसमें ये मैंने अपना जो गुड़हल की कटिंग लगाई हूँ तो इसमें भी देखिए ये यहाँ पे इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है फ्रेंड। इस तरह फ्रेंड इसकी भी मैंने लगा ली हूँ कटिंग और यहाँ भी लगा ली हूँ मैं। ये जो मेरे जीनिया के प्लांट थे इसमें ही लगा ली हूँ कटिंग। जो भी हमारे पॉट रहते हैं जो फ्लावरिंग उसी में लगा देना चाहिए। फिर जब ये फूल स्पेंड हो जाएंगे तो इनको मैं इन्हीं गमलों में ट्रांसफ़र कर लूँगी फ्रेंड। तो इस तरह से अलग से गमला हमें नहीं अलग से जो भी गमले की ज़रूरत होती है वो नहीं पड़ती हमें, इससे ही हो जाता है। और जब इस तरह से बड़े प्लांट में हम कोई भी कटिंग लगाते हैं तो देखिए अच्छी भी होती है। और एक फ़ायदा होता है कि ये जो बड़ा प्लांट होता है ये जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है ये तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है इसका और कुछ ड्रेनेज होल से नीचे गिर जाता है तो ज़्यादा पानी ठहरता नहीं है। इस वजह से भी कटिंग आसानी से लग जाती है। मतलब कभी कभी होता है कि ओवर वाटरिंग से भी हमारी कटिंग नहीं सक्सेस होती है। या तो फिर कटिंग के लिए इस तरह से ये छोटे पॉट लें, देखिए ये मेरा छोटा सा ही है तो भी सही है। और नहीं तो अगर बड़े गमले में लगाएं फ्रेंड तो इस तरह से लगानी चाहिए ताकि कटिंग लग जाए और ओवर वाटरिंग ना हो। और कटिंग से जो भी प्लांट होता है जल्दी तैयार होता है, बड़ा भी हो जाता है जबकि सीड से बहुत टाइम लगता है फ्रेंड। तो इस तरह से मैंने अपना डॉग फ्लावर भी लगा लिए और ये डायमोफोथिका के भी लगा लिए। पिछले साल भी मैं कटिंग से ही रेडी करी थी अपने गार्डन में। बड़े अच्छे फूल खिलते हैं वाइट और पर्पल में, मेरे पे दो ही सेट हैं। तो आप भी इस तरह से विंटर गार्डन की अभी तैयारी कर सकते हैं। आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड।